और ये है जनाब मेरा घर। वाह माशाल्लाह, क्या बात है, हरियाली हरियाली है भाई यहाँ पे तो। जी आपको पता है ये बिल्कुल डेजर्ट था। हाँ। जब मैं आया था तो मिट्टी मिट्टी थी सिर्फ, लेकिन यहाँ मैंने मेहनत करके एक साल लगा के मैंने सारी जगह को हरा किया और I'm very proud। बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है ना फूल पौधे देखने से। और आपको कराची में इतनी जगह मिलती नहीं है कि आप इतना, तो मुझे बड़ा शौक है गार्डनिंग का। लवली। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लगाया हुआ है, बेजल मेरा अपना उगता है, सैलेड है, बहुत सारी चीजें, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। चलिए जी, वी क्यूरियस टू सी शमून अब्बासी'स हाउस। आइए प्लीज, वेलकम वेलकम। आइए जी प्लीज, वेलकम वेलकम। हाय, शुक्र है यहाँ पे थोड़ा मौसम बेहतर है। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका और छोटी छोटी डिटेलिंग हुई भी है यहाँ पर, है ना, कोई भी कोना जो है वो खाली नहीं छोड़ा आपने। जी मुझे ग्रीनरी से बड़ा, एक मैंने जैसे बताया था, बड़ी अफेक्शन है, मैं मुझे लगता है बड़ी लाइफ देती है ग्रीनरी, तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं वहाँ ग्रीन बस ऐड कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिनके आपने वन लाइनर जवाब देने हैं। लीजिएगा मेरे कार्ड्स। थैंक यू। ओके, आपने एक एक लाइन कहनी है, जो मैं नाम लूंगी वो उनके नाम सुनते हुए आपको क्या जहन में आता है, जस्ट वन लाइनर। शान। एवरग्रीन। ओके, मैं विषयात। अ न्यू एडिशन टू द सिनेमा। उमायमा मलिक। इररिस्पॉन्सिबल। माहिरा खान। स्टार। हुमायूं सईद। अ गुड प्रोड्यूसर। नदीम बेग। अ फैंसी डायरेक्टर। साहिल लोधी। सेल्फिश पर्सन। जवेरिया अब्बास। कंफ्यूज्ड। ओके, सबसे ज्यादा आपको रोना कब आता है? कभी कभी होता है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही। आई मिस माय फादर एट टाइम्स एंड यू नो आई मिस टॉकिंग टू हिम, ही वाज लाइक यू नो मेंटोर फॉर मी, तो उनकी जब याद आती है और लगता है कि कोई नहीं है उनके अलावा, उनके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उस वक्त महसूस होता है। कहते हैं बाप जो है वो बैकबोन होता है। तो और उन्होंने मुझे जो कुछ बनाया, जो कुछ, जो भी ट्रेनिंग थी वो मेरे फादर की थी, मुझे तो I was very close to him. क्या कहते थे, शमून ये ना किया करो। हाँ, शमून ऐसे आवाज लगाते थे मुझे, शमून, और इटालियन में बातें करते थे अक्सर। हाँ। तो मेरी वालदा बड़ी नाराज होती थी, वो कहती थी कि उर्दू में बात किया करे, इसको पाकिस्तान भी कभी ना कभी जाना है, तो कहते रहे जब जाएगा, जब ठीक है, अभी तो इटली में रहता है। किस बात पे सबसे ज्यादा डांटते थे आप? पापा, पापा मुझे कम डांटते थे, मामा ज्यादा डांटती थी। ओके, सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मुंह पर झूठ बोलने वाले लोगों पे। और सबसे ज्यादा हंसी कब आती है, खुशी कब होती है? खुशी मुझे होती है अच्छे ह्यूमर पर, किसी का भी हो। ऑल राइट, आपने चूज करना है दिस या दैट, ये या वो। सर्दियों की धूप या गर्मियों की रात? सर्दियों की धूप। फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। रोम या न्यूयॉर्क? रोम। चाय या कॉफी? चाय। वेब सीरीज या फिल्म? Oh, that's for both, but film is bigger. So, film. एक शादी या दो शादियाँ या एक से ज्यादा शादियाँ? एक, दो, तीन, चार, असल में कुछ भी नहीं है, अब मेंटल हेल्थ आपकी बस सही रहनी चाहिए। ओके, शमून अब्बासी एज एन एक्टर और अ डायरेक्टर? I like him as a director. इन अल्फाज को सुनकर आपके जहन में किन शख्सियात का नाम आता है? डाउन टू अर्थ। कभी सा। ऑल टाइम इंस्पिरेशन? एज अ डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एंड एज एन एक्टर अमिताभ बच्चन। फियरलेस। शमून अब्बासी। टू लेजेंड। टॉम क्रूज। हमारी इंडस्ट्री में? साहिर लोधी। Overrated? Yasser Hussain. Underrated? Many people in Pakistan are underrated. Okay, अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, उन्होंने मल्टीपल शोबों में जो है वो काम किया है, आपने मुझे बताना है कि फवाद खान एज अ सिंगर और एज एन एक्टर? एज एन एक्टर। ओके, फरहान सईद एज अ सिंगर और एज एन एक्टर? एज अ हस्बैंड। अली जफर? एज एन एक्टर। ओके, जवेरिया अब्बासी a good actor or a good host? A good actor. Okay. Vaseem Badami, Ramzan transmission host ya current affairs show host? Current affairs. Okay. Performance ke hisab se aapne rating deni hai, first, second, third, best is first. Shan, Fahad Mustafa, Muhammad Rana? Shan, Fahad Mustafa, Muhammad Rana. Muhammad Rana, okay. Mahira Khan, Umaima Malik, Mehvish Hayat? Mehvish Hayat, Umaima and Mahira. हमारा की वैसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको आज तक कौन सी लगी? बोल बोल बस। ओके, नैयर एजाज, टीपू, सलीम मेराज? नैयर एजाज, सलीम मेराज, टीपू। ओके, अहद रजा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, फिरोज खान? फिरोज खान,
Ahad Usman. Momina Mustahsan, Aima Beg, Zoe Vikaji. Aima Beg. Number 1. Zoe Vikaji, Momina. Bilal Lashari, Sarmat Khusat, Nabil Qureshi. Bilal Lashari, Sarmat Khusat, Nabil Qureshi. Okay. Challenge. Next sawal hai ki inme se kaun aapke all time favorites hain? Favorite villain. Amrish Puri. Hamari industry mein hai aapka favorite villain? Chima saab rahe lekin unko maine bahut zyada follow nahi kiya kyunki main us zamane mein tha nahi Pakistan mein, but I respect him personally. Main mujhe bahut acche lagte hain Shafkat saab, bahut acche bade pyar karne wale insaan. Okay, favorite singer, male or female hamari industry? Pakistan. Atif is nice. Female? Aima is good, going well, yeah. All right. Favorite film? Of all times, Aina bahut achhi film thi. Okay. Aina bahut achhi film thi. Favorite gana? Atif ka gana mujhe bahut pasand hai, wo pehli nazar mein, wo bahut achha gana hai. Thoda gaake sunayenge? Gaake sunaun. Pehli nazar mein aisa jadoo kar diya, tera ban baitha hai mera jiya, jaane kya hoga, kya hoga, kya pata, इस पल को आ मिलके जी लें जरा. Wow, lovely. क्या बात है. Favorite morning show host? I don't like morning shows. वो host तो पसंद हो गया है. परा पसंद. परा. चलें जी. अब कुछ इल्जामात हैं आप पर जो लगते रहते हैं ऐसे आपके लिए तो रोज़ की बात है ना. Okay. आप पर इल्जाम है कि आप बचपन से ही विलेन बनना चाहते थे. झूठ. आप पर इल्जाम है कि प्रियंका चोपड़ा आपके साथ काम करना चाहती थी लेकिन आपने मना कर दिया. सच. क्यों? प्रियंका चोपड़ा नहीं, असल में विशाल भारद्वाज का फोन था और उनकी कॉल थी, तो मैं बाहर शूट कर रहा था. आई एम अ कमिटेड मैन. मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि बाहर की शूटिंग हो जाए तो फिर मैं आ जाऊँगा. हाँ. उस पर विशाल भाई ने कहा कि मुमकिन नहीं है क्योंकि प्रियंका की डेट्स ली हुई हैं, तो नहीं हो सका. बट गुड चॉइस. आई थिंक फॉर मी वॉज अ गुड चॉइस. मैं बाहर ज़्यादा हिट हुई और पाकिस्तान में ही हूँ मैं आज तक. कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मुझे बॉलीवुड जाना है और मुझे बॉलीवुड में मनवाना है. मैं पाकिस्तान में अपने आप को रखना है. ओके. आप पर इल्ज़ाम है कि आपको प्रोटोकॉल ना मिले तो आप नाराज़ हो जाते हैं. झूठ. आप पर इल्ज़ाम है कि आपको इस बात पर फख्र है कि लोग आपको गुस्से वाला समझते हैं. असल में ये तो बात कुछ ओवर रेटेड सी है कि मैं गुस्से वाला हूँ. पता नहीं है, मुझे स्क्रीन पे देख के. नहीं नहीं, मैं आज इस बात की वैलिडेशन देती हूँ जी. कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आया और इतने हमने हैवी सवालात कर लिए और इतने मज़ेदार जवाब मिल गए हमें. अच्छा, शो का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है लेकिन कुछ सवाल हैं वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ जल्दी जल्दी. आपकी फिल्म के लिए शरी जो हैं उन्होंने अपने सारे बाल उड़वा दिए, गंजी हो गई, शी गॉट बाल्ड. आजकल कितनी लड़कियाँ हैं जो ये कर सकती हैं? कोई नहीं. मैंने कहा था तुम्हारे बाल काटेंगे टेढ़े मेढ़े, तो उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे बाल इतने छोटे कर दें कि वो वियर्ड लगे. तो उसने कोई 20 से 25 किलो अपना वजन बढ़ाया और उसको 1.5 साल लगा फिर वापस लाने में. और शी स्टिल स्ट्रगलिंग. बाबा क्या बात है. सुपर पावर. ओह यस. है ना. अच्छा, तो नए लड़के लड़कियों के साथ भी काम करते हैं, क्या देखते हैं? डिटर्मिनेशन है, पैशन है? पैशन कम है, पैशन ज्यादा है. मुझे लगता है अपने लुक्स पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा इसलिए ध्यान दिया जा रहा है कि वो ड्रामा इसलिए कर रहे हैं या फिल्म्स इसलिए कर रहे हैं उनको एड्स मिले. तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो बिल्कुल करें. और एड्स से पैसा बनता है, शोहरत मिलती है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेजी टू बी यू नो. सॉरी टू कट यू, अगर कहें कि पाकिस्तान में वेब सीरीज इंट्रोड्यूस करने वाले आप हैं जी, तो सही होगा? मेरे ख्याल में सही होगा क्योंकि 6 The Pack सबसे पहले हमने की और अभी वो रुकी भी है. 3 हमने फिल्म्स उसमें की थी जिनमें से 2 को तो अवार्ड्स मिले माशाल्लाह. वर्जीनिया में भी मिला. 3-4 कैटेगरीज में हमने अवार्ड्स लिए एंड माशाल्लाह अवार्ड्स तो हमने काफ़ी सारे पाकिस्तान के लिए. अच्छा, और अगर कहें कि रियलिटी शोज के पायनियर आप हैं? रियलिटी शो मैंने बिल्कुल किया था. पाकिस्तानी शो था जो कि हमने इंडोनेशिया में किया था और वो पहला शो था और वो बहुत बड़े स्केल पे था. हेलीकॉप्टर्स एंड अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग. अब वो जरा छोटे लेवल के होते हैं. So would you call yourself a pioneer of reality shows? I can call myself a pioneer for a lot of things. Okay. I started mystery series, I started action series in Pakistan.
थ्रिलर लाने वाला ही पाकिस्तान में मैं ही था। मगर आप मुझे नाराज तो नहीं कि मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि जी आपके कैरियर का शुरुआत कहाँ से हुआ? शुक्र है कि आपने मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि मुझसे बहुत ही सवाल किया जाता है और मैं जाते जाते आपने पूछ लिया। वैसे मैं बता ही देता हूँ, कशिश वॉज माई फर्स्ट ड्रामा काजम पाशा का। मैंने उसमें मशरूमिया का रोल किया था, कॉमेडी रोल था, एंड आई लव डूइंग कॉमेडी। और जो लोग समझते हैं ना कि मैं विलन ही आता रहूंगा, तो बी रेडी, बिकॉज मैं अब अगले साल से इंशाल्लाह कॉमेडी फिल्म्स में भी आ रहा हूँ। तैयार हो जाएं और हीरो आऊंगा, नो मोर विलन। और अपना फीडबैक देने के लिए भी तैयार हो जाएं। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बातें जो वाकई मैं भी नहीं जानती थी और लोग भी नहीं जानते होंगे वो भी आपने की। थैंक यू सो मच, आपने हमें इस लाइक समझा कि अपनी दिल की बातें कर सकें। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने शो देखा। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, साथ साथ दूसरों का भी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड किसी नई जगह पर, किसी नई सेलिब्रिटी के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अब जो है ना, ज़िवा आ रही है बाहर भागती हुई, तो मैं भी भाग रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।